जलधर प्रवाह पावित स्थलीघरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजम् हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कांवर यात्रा। कांवर यात्रा कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, कितना कठिन है इसको लाना, कैसे आप ला सकते हैं, क्योंकि मेरी जो है भैया भाभी चाची चाचा मेरे घर में 4 कांवरें आई हैं और सब लोग गए थे घर के 10 मेंबर 11 मेंबर गए थे। तो चलिए ये है, देखिए कांवड़ी है, कितनी सुंदर सुंदर कांवड़े सजी हुई है। इसमें गंगा जल लेकर के आते हैं गंगा जी से। कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर चल करके अपने घर तक पहुंचता है, तब जाके शंकर जी को। तो यहाँ देखिए कांवड़ जो है आ चुकी हैं घर पे। सवा 6 बजे सब लोग घर आ गए थे जो कांवड़ लेने गए थे। तो अभी ये माधव है जो लेके आया था, चाची भी साथ में गई हुई थी और बड़े भैया भाभी, और मतलब मेरे घर में 4 कांवड़ आई हैं। ये गौरव खड़ा हुआ है, भाभी भी गई थी, और एक ये छोटू और चाचा जी। ये वाला भाई अपने नहीं देखा होगा, ये आर्मी में है, तो ये भी अपनी मम्मी के साथ में गया हुआ था। यहाँ गंगा जल ही चढ़ाने को मंदिर में है, हमारे घर का ही मंदिर है ये। तो ये देखिए बहुत आनंद आ रहा था घर में, तो खुद देखिए आप। बोल बोले बाबा की जय, बोल गंगे मैया की जय। बोले हरे हर गंगे, ओम नमः शिवाय। गंगा गंगे हरे गंगे, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ देखिए सब अपनी कांवड़ चढ़ाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और जब तक कांवड़ साधते हैं, जब तक कोई दूसरा विश्राम नहीं करता है, या जब तक कोई भी काम दूसरा इंसान कांवड़ साधे रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा दूसरा मंदिर है, यहाँ पर भी कांवड़ जो है चढ़ाई जाएगी इस वाले मंदिर पर। तो ये देखिए यहाँ जो गंगा जल लाया जाता है ना, वो इसमें लाया जाता है, और कोई हाथ में लेकर के आता है, कोई इस तरीके से कांवड़ बना के लेके आता है। तो ये देखिए यहाँ ये गंगा जली हैं, ये लाई जाती हैं और ये महादेव बाबा पर चढ़ाई जाती हैं। 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर ये लोग पैदल चल के गंगा जल लेके आए हैं महादेव पर चढ़ाने के लिए। मेरे भैया भाभी चाची चाचा जी सब लोग मिल करके गए थे। ये लोग 27 तारीख में गए थे और 1 तारीख को ये लोग आए हैं सुबह। फिर यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर कांवड़ चढ़ाई है, यानी गंगा जल चढ़ाया है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। ये देखिए ये भी गया था तुषार, मेरा भतीजा, ये भी गया था, अभी कोई बड़ा नहीं है बहुत। राम भी गया था, मेरा छोटा वाला भतीजा, मतलब सभी लोग गए थे। एक आनंद की अनुभूति होती है, सच में बहुत ही कठिन काम है। 21 किलोमीटर जो हम परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन की, उसमें हम थक जाते हैं, तो ये तो 100-150 किलोमीटर चल करके आए हैं और कांवड़ लेकर के। ये देखिए ये गंगा जल, ये भैया हैं ताई और ताऊ जी हैं, ये वाले मंदिर पे ये लोग अब चढ़ाएंगे गंगा जल। Thank you.
तो देख सकते हैं बस यहाँ पर गंगा जली जो है इन लोगों ने चढ़ा दी है और भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। ये जो कांवर लेके आए हैं सच में मतलब हम लोग तो सोच के ही लग रहा था कि कितना परेशानियों से कांवर लाई जाती है, लेकिन सिर्फ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो हे भोलेनाथ जो कांवर लेके आए हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो मेरी वीडियो के माध्यम से सभी लोग आपके दर्शन कर रहे हैं, उनकी सभी की मनोकामना पूरी करिएगा और सभी की इच्छाएँ को पूरी करिएगा। और कभी कृपा करके मुझे भी बुलाइएगा कांवर लेने के लिए, क्योंकि ये चीज़ है ना बिना कृपा के नहीं होती हैं। हम कितना भी विचार कर लेंगे हम जाएंगे, लेकिन जब तक उसकी कृपा नहीं तब तक कुछ भी नहीं है।